नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। खबर जयपुर से है, जहां जयपुर के मालवीय नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे ट्रैक से पुलिस ने एक व्यक्ति का शव बरामद किया है। इस मामले पर मौके पर पहुंचे जवाहर सर्किल थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि रात 11 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया है। मौके पर पहुंची मालवीय नगर थाना पुलिस ने व्यक्ति के शव को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने व्यक्ति का शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। व्यक्ति की पहचान चांदपोल निवासी अहमद कुरैशी के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रात 10 बजे के करीब रेलवे के यहाँ रेलवे ट्रैक पर एक दुर्घटना हुई है, उसका मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। अहमद कुरैशी नाम का व्यक्ति था। रात्रि में करीब 11 बजे के समय रात्रि में हमें सूचना मिली थी कोई व्यक्ति ट्रेन से रन ओवर हो गया, तो उस संबंध में मौके पर गए थे। एक व्यक्ति है जो ट्रेन से एक्सीडेंट होकर वहाँ पे गिरा हुआ था, जिसको जयपुर हॉस्पिटल लेके गए थे, जहाँ पे डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। इसकी डेड बॉडी मोर्चरी में फेंकी थी, उसके परिजन आ गए हैं और उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और कुछ वैसा कुछ मामला थोड़ी सामने आया, क्योंकि लड़की भी उसके इस संबंध में जो सूचना प्राप्त हुई थी ट्रेन के चालक द्वारा, जो सूचना दी थी ट्रेन से व्यक्ति के रन ओवर होने की सूचना थी, यानी ट्रेन से एक्सीडेंट होकर मृत्यु हुई। ओके, बाकी इस संबंध में वो जाँच कर रहे हैं।